बाबू 8 बज गए, मुझे वो सौदे के पेपर पर दस्तखत करने जाना है। तो मैं निकलूं? मुझे रास्ता दिखाया तो मैं आज ये तेरा क्यों मुझे क्यों नहीं सोच रहा कि मैं क्या करूं। एक का दिल रखने चाहती है तो दूसरे का दिल होना ही पड़ेगा। आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। ये रबड़ी सूरज भैया ने आपके लिए बनाई है। और शायद इस दुकान की ये आखिरी रबड़ी है। बाबू सूरज भाई साहब कह गए कि सरपड़ी की आंटी को घर पहुंचा दो। घर क्यों? मारे छोरा के हाथा से बनी है यह रबड़ी। मैं उसकी दुकान में बैठकर ही खाऊंगी।
अपना सपना भुला सकती हूँ, लेकिन उस सपने के साथ साथ गर्भात होती हुई सूरज जी की खुशियां नहीं देख सकती। मैं खुद सब सह सकती हूँ, लेकिन लेकिन सूरज जी को तकलीफ में नहीं देख सकती। मिठाइयां बनाकर वो दूसरों की ही नहीं अपनी जिंदगी में भी खुशियां भरते, और मैं उनकी जिंदगी फीकी होते नहीं देख सकती। आप ही बताइए ना, आप ही बताइए कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे जिससे सब ठीक हो जाए। बरसों से उसके हाथ की बनी रबड़ी चाकती आ रही हूं मैं। उसके हाथ से बनी रबड़ी का स्वाद का पता है मने। इस रबड़ी में वो मिठास ना है बेनी, जिसके लिए मारे छोरे ने दुनिया भर में इज्जत कमाई है। यही बताता है कि इस फैसले में उसका मन शामिल ना है बेनी। तक आप ये पेन नहीं उठाएंगे, मैं भी अपने कर्जे को हाथ नहीं लगाऊंगा। मारा छोरा जरूर बहुत तकलीफ में, कहीं कहीं कुछ बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है मारे छोरे के साथ। बीनी, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती मारा छोरा ये सब क्यों कर रहा है। और चाहे जो भी हो, मारे लिए मारी छोरी की खुशी सबसे बढ़कर, भगवान करे इस रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले ही वो सारी मजबूरियां खत्म हो जाए, सब ठीक हो जाए, उसे इस रास्ते पर आगे बढ़ना ही न पड़े। लेकिन भी वो तो गया है ना दस्तखत करने। भगवान, हे मारा राम जी, जा भी नहीं, जा जाकर रोक ले मारे छोरे इस प्रस्ताव पर, उसका हाथ बढ़ने से रोक ले, उसे अपनी कला का सौदा मत करने दे। उसकी खुशी, उसकी जिंदगी सब दुकान में बसी है रे, वो अपने काम में पूजा समझे है। इसके बगैर वो ना जी सकेगा भी नहीं। क्या करूं भी नहीं, आपने अपने पत्नी धर्म निभाना है, जाकर रोक ले मारे छोरे ने, तू ही रोक सके बीनी उसके। एक मिनट, बीनी, जब 14 साल का था ना मारा छोरा, और उसने अपने घर की जिम्मेदारी ली थी, तब उसने यही कड़छी उठाई थी। तब एक नए सूरज का जन्म हुआ था। आज वो सूरज अपने आप को खत्म करने जा रहा है। उसे जिंदगी देने की जरूरत है, सांसें देनी है भी नहीं, उसे हौसला देने की जरूरत है उसे। जा भी नहीं, बचा ले मारे छोरे ने, उसके हाथ में किए वापस थमा दे। कहते ताई बाबू ने बुलाया, इससे पहले कि देर हो जाए भिन्नी, बचा ले मारे छोरे ने, बचा ले।
ना पीरनी ना जा पीरनी कहीं देर ना हो जाए ये मारा मुझे बचा ले मारे चोर चलेंगे जरा जल्दी चलिएगा आइए 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 सूरज जी भाई दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर सच पूछिए तो दिवाली के दिन लक्ष्मी मैया को अपने घर लाने का बड़ा ही समझदारी वाला काम किया आपने नहीं 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 आइए सर जल्दी चलाइए ना देखो मिशेल आप एक काम करो आगे बिल्डिंग में आग लगी है 2 घंटे तक ट्रैफिक खुलेगा सर आगे क्या हुआ है अगली गली में आग लगी है इसलिए रास्ता बंद है मैडम थोड़ी बाजार से घुमा के लेना पड़ेगा और समय भी ज्यादा लगेगा जल्दी चलिए बैठिए क्या लेंगे सर आप चाय कॉफी कुछ है अरे अनिल नहीं नहीं सिंह साहब ठीक है शुक्रिया अच्छा सूरज जी तो ये रही हर महीने भरने वाली तिजोरी की चाबी सर एक बार बस नजर डालकर आप इस पे दस्तखत कर दीजिए अरे वैसे ही पढ़ने वाली कौन सी बात है सर इसमें तब तो आपको पता है बस एक बार एक खाना पूर्ति हो गई ना सर उसके बाद तो हर महीने आपके यहाँ नोटों की बरसात शुरू सिंह साहब माफ कीजिए ये तो अंग्रेजी में वो क्या ना कि मुझे अंग्रेजी आती नहीं क्या करें सूरज जी अब आजकल अंग्रेजी का ही तो जमाना है सर देखिए इसमें वही सब बातें लिखी हैं जो हमारे बीच हो चुकी है आप किसी नजर से भी इस कॉन्ट्रैक्ट को देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई छुपी हुई भाई इतना तो भरोसा आपको है ना मुझ पर भाई मैं तो सूरज जी सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरा भाई सूरज दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे बस और आप करेंगे देखिए मुझे पूरा विश्वास है आप जरूर करेंगे तो बस साइन कर दीजिए सिंह साहब यही तो बात है देखिए ना मैं भी रिश्तों को ही साफ सुथरा रखना चाहता हूँ इसलिए अगर हो सके और बल्कि इसी में भलाई है कि आप ये कागज हिंदी में बनवा दें प्लीज तो यही सही अनिल अनिल एक काम करो ये कॉन्ट्रैक्ट फटाफट हिंदी में करा के लाओ ठीक है जाओ आओ सुनो भैया जल्दी चलाइए ना जी चला रहा हूँ
हुआ भैया? लगता है क्लच की वायर टूट गया है, बनवाने पड़ेगी। भैया ये पैसे पकड़िए। हाँ हाँ तो सूरज जी, भैया आपके हिसाब से ही बनाना है कॉन्ट्रैक्ट जी। हाँ तो फिर शुभ काम में देरी कैसी, आप फटाफट बस ये दस्तखत वहां कर दें। सूरज भैया त्योहार चाहे कौन सा भी हो आपके मिठाई के बिना अधूरा है। आपके सपने क्या हैं? आंखें बंद हो चाहे खुली, मैं तो रोज एक ही सपना देखता हूँ। पूरा परिवार खुशियों से बैठ के चौपड़ खेलता हुआ, हंसते गाते, गर्मा गर्म पकौड़े खाते, और मैं यहाँ दुकान पे कस्टमरों को संभालता हुआ और सबके लिए ढेरों पैसा कमाता हुआ। याद कीजिए सूरज जी, आप ही ने कहा था ना कि आपकी मिठाइयों में और दूसरों की मिठाइयों में सिर्फ इतना सा फर्क है कि दूसरे लोग अपनी मिठाइयों को बनाने में सिर्फ मेहनत लगाते हैं, लेकिन आप मेहनत के साथ साथ अपना दिल और मन लगाते हैं। ये लड्डू, ये जलेबी, ये मरती, ये पेड़, ये सब आपके बचपन के साथी हैं। आप अपने बचपन के साथियों से अलग रहकर कैसे खुश रह पाएंगे? अगर आपको अपने सपने से कोई प्यार नहीं तो मुझे भी अपने सपने से कोई लगाव नहीं। जब तक आप ये पेन नहीं उठाएंगे मैं भी अपनी कर्जी को हाथ नहीं लगाऊंगा, नहीं तो अगर आपका सपना खत्म तो मेरा सपना भी खत्म। सूरज जी मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।